हेलो एवरीवन, सो टुडे आपका एक बार फिर से स्वागत है द कॉलेज रियलिटी शो के अंदर और द CUET प्राइवेट कॉलेज रियलिटी शो के अंदर। सो आज हम बात करने वाले हैं सोबित यूनिवर्सिटी एंड दिस इज सिचुएटेड इन मेरठ UP। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंट्रोवर्सी है इसके रिगार्डिंग कि जो है इस यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दिस इज शोइंग दैट कि दिस इज एन डिम्ड यूनिवर्सिटी। आप इसकी वेबसाइट पे अगर विजिट करते हैं तो देन वहाँ पे लिखा होता है कि दिस इज एन डिम्ड यूनिवर्सिटी। और ये डिम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है इसके रिगार्डिंग भी मैंने बहुत बार आपको बताया है। क्या डिम्ड यूनिवर्सिटी वो होती है जो कि अपने सारे के सारे रूल जो है खुद डिसाइड करती है, राइट। उसका किसी से एफिलिएशन नहीं होता है। लेकिन अगर अपन CUET की बात करें तो CUET को जो लिस्टें जारी हुई है उसके अंदर जो है ये सोबित यूनिवर्सिटी को प्राइवेट कॉलेजों की लिस्टों के अंदर रखा गया है, नॉट फॉर एनी डिम्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि इसको डिम्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में नहीं रखा है, इसको एक प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट के अंदर रखा गया है। और तो हो गई सिंपल बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसके लोकेशन की, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसके प्लेसमेंट की, इसके सारे सीनियरियों की, यहाँ पे कैसा प्लेसमेंट होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, कॉलेज कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, राइट। सो चलिए देख लेते हैं यार। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात कर लें कि जस्ट जो है ये लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है 90% प्लेसमेंट होता है। ओके, सो दिस इज फेक। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे को रिव्यूज मिले हैं जो कि मैं आपको बता दूं क्या यहाँ के कंडीशन चल रही है अभी, जो करंटली जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। सो जो पहले अपन बात करते थे कैंपस की, कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गुड, नॉट बेड, नॉट एक्सीलेंट, दिस इज एन नॉर्मल। एंड द बिल्डिंग इज इन सी शेप के अंदर बिल्डिंगें बनाई गई है एंड विद द बिग ग्राउंड, छोटा सा ग्राउंड, ठीक है, नॉर्मल ग्राउंड, बड़ा ग्राउंड। एंड देर आर ऑल द फैसिलिटीज ऑन द कैंपस, देर आर बिग लाइब्रेरी एंड माई गॉड वाईफाई फैसिलिटीज अवेलेबल, नाइस, ठीक है। एंड सोलर पैनल इज अवेलेबल एंड विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली, कभी कभी कट भी जाती है। एंड देर इज गुड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नॉर्मल अवेलेबल, जस्ट लाइक विद फैकल्टी की अगर अपन बात करें देन BA BBA BSc BTEC LLB पॉलीटेक्निक BAMS फार्मेसी MTEC PhD आर कोर्सेज अवेलेबल ऑन द कैंपस। एंड फीस स्ट्रक्चर इज नॉर्मल एंड सम स्कॉलरशिप, नॉर्मल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल। एंड द फैकल्टी मेम्बर्स इज नॉट गुड, नॉट बैड एंड नॉट एक्सीलेंट, दिस इज अ नॉर्मल फैकल्टी मेम्बर। एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स का कुछ रिव्यूज मिला है, राइट। सो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि द प्लेसमेंट इज वेरी पोअर एंड लोकेशन इज वेरी बैड एंड सम जो है स्ट्रीट क्रिमिनल स्टूडेंट्स आर स्टडीज इन दिस कॉलेज बिकॉज दिस इज सिचुएटेड इन मेरठ। तो यार ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। स्ट्रीट क्रिमिनल आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो जयपुर हो, लेकिन स्टूडेंट ने फीडबैक दिया तो हमें तो बोलना पड़ता ही है। और स्ट्रीट क्रिमिनल्स का कॉलेज से क्या रिलेशन, उनका सिर्फ पढ़ना होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा कंसर्न ये था कि भैया यहाँ पे जो लोकल बच्चे पढ़ाई करते हैं और जो वो बोलते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे तो जो टीचर लोग वगैरह पढ़ाते नहीं है, अगर कोई राजस्थान का बच्चा है, हरियाणा का है या फिर दिल्ली का है, गुड़गांव का है, तो उसकी कौन मानता है, ठीक है। जो भी ज़्यादा आबादी में होते हैं लोकल बच्चे वो बोलते हैं कि आज क्लास नहीं लेंगे, आज मज़े करेंगे, आज पार्टी करेंगे, लेकिन टीचर बोलता है ठीक है जाओ तुम पार्टी कर लो, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी बैड। एंड अगर अपन बात करें तो जस्ट लाइक 8 से 9 एकड़ का कैंपस है एंड दिस इज हॉस्टल्स आर अवेलेबल फॉर जस्ट लाइक 1 for boys एंड 1 for girls। एंड जो है सम नॉर्मल जस्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉर्मल एंड द प्लेसमेंट इज वेरी बैड, ठीक है। आपने जस्ट देखा होगा कि 90% प्लेसमेंट ये प्रोवाइड करता है, लेकिन रियल के अंदर तो IIT बॉम्बे भी 92% प्लेसमेंट ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉर्मल इन UP, राइट। क्या बात है UP वालों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके प्लेसमेंट की अगर अपन जड़ तक जाएं, आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो जस्ट यार आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे मेरे से इंक्वायरी करते हैं कि भैया जो कॉलेजेज आ रहे हैं हमारे पास, इनका पहले तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना और ये कहाँ से उठ के जो है CUET के अंदर पार्टिसिपेट करने लगे। अगर कोई बहुत अच्छा कॉलेज होता है जैसे लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे, वो तो पता नहीं आके आप बैठ जाए, लेकिन ये कॉलेजेज कहाँ से आ गए ऐसे कॉलेजेज, राइट।
श्योर, इनका फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एक मोटिव तो ये हो गया कि इनका डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट हो गया है ना, एंड दूसरा क्या हो गया, इनके पास ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा तो होता नहीं है, एडमिशन्स इनके पास आते नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि चलो सी यू ई टी में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, हमारे एडमिशन भी आ जाएगा और फ्री कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लिस्ट में शो होता है सोबित यूनिवर्सिटी, बच्चे जाते हैं कॉल करते हैं और उनको फंसा लिया जाता है बच्चों की, भैया आ जाओ आ जाओ, राइट। सो ये सारा का सारा सीन चल रहा है। तो जस्ट अगर अपन इसके अंदर अगर इसको अपन मार्क्स दे 10 out of 10, तो हम इसको सिर्फ 4 marks देंगे, एंड आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, लोकेशन इज वेरी बैड, एंड जो है टीचर्स की अगर अपन बात करें तो एक टीचर जो है 3-3, 4-4 subjects यहाँ पे भी पढ़ा रहा है, दिस इज़ वेरी बैड। और बहुत सारे कॉलेजों में ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है कि एक टीचर 3-3, 4-4 subjects पढ़ा रहा है भैया, तो ये यार क्या ही कर सकते हैं, कितने कॉलेजों को बोले हम कि तुम टीचर हायर करो टीचर हायर करो, लेकिन इसलिए टीचर बेचारे बेरोजगार बैठे हैं। अगर कोई टीचर बोल देता है कि मैं तो एक ही पढ़ाऊंगा, देन बोलते हैं कि जाओ फिर घर जाओ, हम नया टीचर ले आएंगे, राइट। सो टीचर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की, डायरेक्टर की, वाइस चांसलर की, जो कि फीस नहीं देता है कुछ। यार यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट कंपनीज भी दी गई है जो कि यहाँ से बच्चों को उठाती है, जैसे IBM है, विप्रो है, HCL है, इंटर्नशाला है, इंडिया मार्ट है, राइट। सो ये कुछ कुछ जो है पैसे दे के उठा लेती है बच्चों को, एंड कुछ यहाँ पे टॉप एलुमिनाज भी दिए गए हैं, जैसे कि राजीव लोकल बिश्नोई कौन है, ये बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टर है, फाउंडर एंड CEO है कुछ, एंड कुछ अलग अलग डॉट 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 डॉट, राइट। सो आई थिंक जो भी हो ठीक है, हमने तो इसको मार्क्स दे दिया जो भी है। तो जस्ट आपको अगर अच्छा लगता है देन आप एडमिशन ले सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है देन आप एडमिशन ना ले, तो आई थिंक आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अगर अपन इसके प्लेसमेंट की बात करें तो जस्ट जो है जॉब प्लेसमेंट रेशियो एटलीस्ट जो 18,000 से लेके 25-30,000 रुपये पर मंथ तक की यहाँ पे जॉब जो है ऑफर करती है कुछ कुछ कंपनीज। आप जो देखते हो कि लाखों में प्लेसमेंट होता है, ठीक है, दिस इज़ नॉट, नहीं होता ऐसा कुछ, एंड देर इज नो प्लेसमेंट सर्विस, एंड इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन देन टू बी श्योर यू आर कॉन्फिडेंट टू गेट द जॉब विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द कॉलेज साइड, ठीक है, समझ गए आप, एंड देर इज अ पोअर फैसिलिटी फॉर द प्लेसमेंट, एंड ये भी मेरे को किसी ने लिख के भेजा है कि जस्ट प्लेसमेंट में ये लोग प्रोवाइड करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना ये लोग लिख के रखते हैं 90% प्लेसमेंट, एंड इसको आप जस्ट लाइक एक लोकल टाइप कॉलेज समझ सकते हो। एंड अगर जैसे अपन डिम्ड यूनिवर्सिटियों को देखते हैं तो वैसा कोई सीन नहीं है इसका, कॉलेज का हालात ही बड़े ही ख़राब है वैसे, एंड कोई 100% प्लेसमेंट घंटा 100% प्लेसमेंट, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। हमारा मिशन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम एंड मिशन गारंटेड डिजायर गवर्नमेंट कॉलेज प्रोग्राम इज रनिंग, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आपको नीड हो देन आप हमारी टीम मेंबर्स से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, और मैं आपको दिल से बता दूं कि ये जो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं उन सब का भंडाफोड़ हम बिल्कुल फोड़ देंगे, ठीक है, और इसमें कोई बेझिझकने वाली बात नहीं है, और हम आ रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट वालों तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, थैंक यू।